सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें सूरत के निर्वेदन नगर सोसाइटी की है। यूं तो बिजली तारों में दौड़ती है, लेकिन जब तारों की बिजली खंभों में उतर आए तो हादसे का रूप लेते देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ हुआ है गुजरात के सूरत में। सूरत के पूना गांव इलाके में जब तारों से बिजली निकलकर खंभे पर उतर आई तो एक युवती की जान चली गई। युवती अपनी साथी महिला के साथ वहां से गुजर रही थी। जैसे ही युवती ने बिजली के खंभे का सहारा लेकर वहां से निकलने की कोशिश की तो फौरन ही उसे बिजली का करंट लग गया और उसकी खंभे से चिपक कर मौत हो गई। काजल को उसके साथ वाली महिला ने बचाने की कोशिश की पर वो सफल ना हो सकी। घटना के बाद बिजली विभाग के लोग मौके पर पहुंचे और खंभे से बिजली के तार नीचे उतार दिए। इस घटना के बाद मृतक युवती के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं स्थानीय लोग गुस्से में हैं और बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इस घटना को लेकर सूरत की पूना थाना पुलिस ने मृतक युवती के परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करने की बात भी की है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है और वो बिजली के तार अंडरग्राउंड करने की मांग कर रहे हैं। किस तरह की घटना हुई है और पुलिस ने क्या कार्रवाई शुरू की? पूना गांव के नर्मदा नगर सोसाइटी में एक बालिका को रास्ते चार पैदल चलते हुए जा रही थी, तब रास्ते में जीवी का पोल है, उनके साथ हाथ लगने से जीव करंट लगने से उनको वो सीरियस हो गई थी और सर्वर दरमियान उनकी मौत हुई है। और पुलिस की तरफ ओर से कायदे सर कार्यवाही उनके परिवारजनों की फरियाद लेके कार्यवाही करने की कर रहे हैं और उनकी तपास में आगे जो होगा वो कार्यवाही करेंगे। किन लोगों को इसमें आरोपी बनाया जाएगा सर? इस तरह से उसमें जो भी जवाबदार होंगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन भी जो भी जवाबदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सूरत के पूना गांव इलाके में बिजली का करंट लगने से एक लड़की की मौत हो गई। काजल नाम की लड़की जो थी उसकी करंट लगने से मौत हुई है। जहाँ मौत हुई है उसी खम्भे के पास हम यहाँ मौजूद हैं। यही वो बिजली का खम्भा है जहाँ से वो लड़की 22 साल लड़की काजल नाम की लड़की थी जो यहाँ से गुजर रही थी और वो उसने इस खंभे को छुआ, टच करते ही उसे जो है करंट लग गया और करंट लगने से उसकी मौके पे ही मौत हो गई। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, ये जो सारा वाकिया है वो सीसीटीवी में कैद हुआ। ये सीसीटीवी यही घर के पास जो है सीसीटीवी लगा हुआ है और इस वाकिया जो है इसमें कैद हुआ है और ये पूरा वीडियो है। वायरल होने के बाद यहाँ सोसाइटी के जो लोग हैं उन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ काफ़ी आक्रोश जताया और बिजली विभाग ने जो यहाँ की लाइन जो चली उसको काट दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो बिजली के तार हैं जो जिनमें जिनको काट दिया गया है वो ज़मीन पे पड़े हुए हैं। और यहाँ के सोसाइटी वालों का क्या कहना है, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम उनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ क्या किस तरह से हुआ था और वो क्या कहना चाहते हैं। सर क्या कुछ यहाँ पे हुआ था और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? अरे ये लोग को बहुत किया लेकिन कोई काम करने को आता ही नहीं। 3 दिन से कंप्लेन था लेकिन जीबी वाला कोई आया नहीं। जीबी वाला को पुलिस बुला के बाद में हुआ के ये बोल रहा था 3 दिन से कंप्लेन लगाया लेकिन कोई पावर काटने के लिए नहीं। पावर शॉर्ट लगने के बाद भी पावर नहीं काटा था। हम लोग फोन किया लेकिन फोन भी नहीं उठाता जीबी वाला और एसएमसी वाला कोई आया नहीं। आपकी अब क्या डिमांड है? जिस तरह से बिजली की तार जो आप खुले यहाँ पे थे अब क्या डिमांड है, क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग एक निकला के पोल निकाल देने का लोखंड का और अंडरग्राउंड करने का, इसीलिए पावर अभी बोला कि नहीं डालने का, अंडरग्राउंड करने का, पावर अभी पूरा काट डाला है। इस घटना के बाद यहाँ के लोगों ने बिजली विभाग से मांग की है कि जो तार इन खम्भों पे थे उन्हें अब अंडरग्राउंड किया जाए ताकि इस तरह के हादसे दोबारा यहाँ पर न हो। संजय सिंह राठौड़, गुजरात तक।